अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं बना रही हूँ चिकन और चने, और उसके लिए सारी चीज़ें हैं। दो प्याज मैंने काट लिए थे, 1 kg मैंने चिकन लिया है, थोड़े से चने बॉईल कर लिए हैं, ये मैंने अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया है, उसको चॉप कर लिया। और 2 अदद मैंने जो टमाटर लिए हैं, 1 कप मैंने योगर्ट लिया है, 4 चम्मच मैंने लिए हैं चिकन मसाले के, थोड़ा सा मैंने अदरक जो है ना वो गार्निश के लिए काट लिया है, 1 चम्मच मैंने लिया चिली फ्लेक्स की, 1/2 चम्मच मैंने लिया हल्दी का, 1 चम्मच ही मैंने यहाँ लिया है चिली पाउडर का, और 1 चम्मच मैंने लिया गरम मसाला। और ये सारी चीज़ें हैं, ऑयल भी मैंने रख ली है। अभी मैं इनको पकाने के लिए रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ मैंने देचकी जो है वो रख ली, अभी मैं इसमें ऑयल डालूँगी, ये थोड़ी सी खुशक हो जाए क्योंकि धोई थी मैंने, थोड़ा पानी था इसमें, तो अभी इसमें मैं ऑयल डालती हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। अभी मैं इसमें ऑयल डालने लगी हूँ, और साथ में मैंने वो चावल बनाए थे खाली तड़का लगा के सिंपल, और उनको मैंने वो दम पे रखी है, देखिए साथ में मैंने वो चावल रखे हुए हैं, अभी उनको भी उतार लेती हूँ। अभी इसमें प्याज डाल, अभी ये देखिए मैंने इसमें प्याज डाल लिए थे, अभी मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, साथ में मेरे चावल भी हो गए हैं, उनकी मैंने फ्लेम जो है ऑफ कर दी है। अभी इसे मैं थोड़ा सा ब्राउन करूँगी, फिर मैं इसमें दूसरी चीज़ ऐड करती हूँ, वो दिखाती हूँ आपको, जो जो मसाला मैं ऐड करूँगी आपको दिखाती जाऊँगी साथ में। फिर गाइस मेरा जो प्याज है ना वो ब्राउन हो गया, इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि वो गले नहीं। अभी मैं इसमें अदरक लहसुन का जो चॉप किया हुआ वो डालूँगी, फिर उसको भी थोड़ा सा भूनूंगी। प्याज अदरक लहसुन और साथ में इलायची ली है चॉप की हुई थी, अब इनको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दिखाती हूँ अभी, और कोई जब ये ब्राउन हो जाएगी फिर आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी पक जाए ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, थोड़ा लहसुन भी जो है ना वो भुन जाए। अभी ये देखिए गाइस, ये सारा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट सारा जो है भून चुका है, अभी इसमें मैं दूसरे मसाले ऐड करूँगी, पहले डालूँगी मैं चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में चिली फ्लेक्स डालूँगी। इसको भूनती है थोड़ा, और साथ में थोड़ा पानी डालूँगी ताकि नीचे नहीं लगे, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि नीचे नहीं लगे मसाला हमारा जले नहीं। साथ में मैं इसमें अभी चिकन डालूंगी, ये देखिए गाइस अब मैं चिकन डालने लगी हूँ, अभी इसे मिक्स करूंगी साथ में, इसको अच्छी तरह भूनूंगी, इसे अच्छी से मिक्स करके साथ साथ भूनती जाऊंगी। ये देखिए अभी ये भुन जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, तो 4-5 मिनट लगेंगे इसको भुनने में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद मैं क्या ऐड करूँगी बीच में, फिर मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ। फ्राइज इसको मैंने थोड़ी देर के लिए भुना है, अभी इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी ताकि इसके साथ में वो भी अच्छे से जो है
मेल्ट हो जाए और चिकन भी अच्छे से जो है ना भून जाए। इसको फिर मैं अच्छे से भूनती हूँ थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे अच्छे से भून लिया। अभी इसमें मैं योगर्ट डालूँगी। इसे मिक्स करूँगी ताकि चिकन की अच्छी से खुशबू आए ना। देखिए इसमें मैं योगर्ट मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने योगर्ट डाला था बीच में, अभी मैं इसे भून रही हूँ अच्छे से ताकि ये दही के बीच में जो थोड़ा सा पानी हुआ होता है, पानी शानी होता है, वो जो अच्छे से ड्राई हो जाए। पानी शानी जाए दिए देखिए, क्योंकि योगर्ट डाला बीच में इसलिए मेल्ट हो गया, तो उसको भी मैं इसके साथ ही भूनूंगी। ये देखिए थोड़ी देर इसे मैं भूनती हूँ, उसके बाद फिर मैं चिकन मसाला ऐड करूँगी, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, इसमें मैंने योगर्ट डाला हुआ था, अभी मैंने अच्छे से इसे भूना है। ये देखिए ये बिल्कुल भून चुका है। अभी मैं इसमें चने ऐड करूँगी। ये देखिए अच्छे से मैंने इसे भूना है। देखो ऑयल हमारा ऊपर आ गया। अभी मैं इसमें चने ऐड करूँगी जो मैंने बॉयल करके रख लिए थे, बॉयल कर दिए थे। तो ये देखो अभी ये मैं डाल के थोड़ी देर भूनूंगी। तो हाँ गाइस, बीच में से वो नमक जो है स्किप हो गया था, वो मैंने शुरू में नहीं बताया, अभी मैंने उसे डाल लिया। तो आप लोग भी डाल लीजिएगा। अभी ये देखिए मैंने चने ऐड कर ली है और साथ में मैं जो है इसका चिकन का मसाला वो ऐड करूँगी। अभी ये देखें मैं चिकन का मसाला थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें। हाँ फिर डालूँगी, इसे ज़्यादा तीखा जो है हम नहीं खाते, इसलिए आप लोग चाहे तो 4 चम्मच यूज कर लीजिएगा। क्योंकि ये तो मैंने 4 चम्मच ही थे, मगर मैंने आप यूज़ किया 2 चम्मच, क्योंकि हम घर में 2 मेंबर हैं, बड़े और 2 बच्चे हैं, तो खाना तो इतना ही बनेगा ना। देखिए इसके साथ में मैं भूनती जाऊँगी और चम्मच भी। और ये देखिए गाइस, साथ में मैं इसे हलाई जा रही हूँ और थोड़ी देर इसे मैं भूनूंगी, ताकि मैंने भी इसमें चने ऐड किए थे सॉरी, और साथ में मैंने वो चिकन का मसाला ऐड किया था, तो साथ में इनको भूनते जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, भी आपको दिखाऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा शोरबा रखूँगी इसमें, क्योंकि साथ में मैंने जो राइस बनाए हुए हैं उनके साथ बना रही हूँ, सोचा इसलिए आपको इसकी रेसिपी भी दे दूँ। चावल तो बिल्कुल सिंपल थे और साथ में मेरी मिन्हा जो मुझे तंग कर रही है, मेरी टांगों को पकड़ के खड़ी हुई है, अभी मैं उसे भी देखती हूँ और साथ में इसे भी भूनती हूँ। ये देखिए गाइस, अच्छे से मैंने इसे भून लिया। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और थोड़ा सा शोरबा रखूँगी, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें शोरबा रखना है, क्योंकि चावलों के साथ मैंने इसे सर्व करना। और ये देखिए अच्छे से भून गया, ऑयल इसका ऊपर आ गया। ये देखिए भुनने के बाद ये लुक क्या है, इसका ऑयल ऊपर आ जाता है। और अभी मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, इतना सा ज़्यादा नहीं। अभी ये देखिए ये पानी मैंने ऐड कर लिया, अभी ऐसे मिक्स करके थोड़ी देर इसे मैं बॉयल आने दूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसे देखूँगी, और लास्ट में मैंने वो गरम मसाला ऐड करना पिसा हुआ, वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं इसको ढक देती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये देखिए हमारा जो सालन है बिल्कुल रेडी हो गया चने और चिकन का। अभी मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, और गरम मसाला ऐड करके थोड़ा सा इसे मिक्स करती हूँ, और 1-2 मिनट के लिए मैं इसे दाम पे रख देती हूँ, ढक्कन दे के ना, ढक के, ताकि ये जो मसाला है ना वो अच्छे से बीच में मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक, क्योंकि मिन्हा भी मेरे पास शोर कर रही है, उसे भी देख लूँ।
फाइनल लुक मैं इसका आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए गाइज, मेरी डिश का फाइनल लुक ये हुआ है। देखिए मैंने इसे डिश आउट किया और थोड़े से जो मैंने इसके वो अदरक का था ना, वो जिंजर जो है वो मैंने काटा हुआ था स्लाइस करके गार्निश के लिए। और ये देखिए मैंने जो चावल बनाए थे खाली, सोचा ये भी साथ में रख दूँ। और साथ में थोड़ा सा मैंने रायता बना लिया था खाली दही में, थोड़ा सा नमक डाल के, ब्लैक पेपर डाल के। और साथ में ये है फाइनल लुक मेरी डिश का, ये देखिए ये तीनों चीज़ें हैं। और ये देखिए गाइस, मैंने आपको सारा दिखा दिया था। और अभी आपको, आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।